Hi everybody, welcome to all of you on my channel Maths Toppers. Today we are going to discuss some probable questions for JEE Main 2020 on the topics Rolle's theorem. आज के लिए जो very first question है, if this equation has four real and distinct roots, then find the value of k है. So dear friend, इस type का questions का आने का possibility is है, ठीक है? जब भी इस type का questions solve करोगे, ऐसा करके consider करना, let fx equal to is what x4 minus 14x square प्लस 24x माइनस k है. So this implies that f dash x is what ना 4x क्यूब माइनस 28x प्लस 24 है. सो दिस इज 4 कॉमन ले लो, x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 है. सो दैट इज व्हाट x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 6x प्लस 6. सो दिस इज, देखो यहीं से x स्क्वायर कॉमन ले लो, x माइनस 1 एक्स माइनस वन माइनस सिक्स एक्स माइनस वन है. सो एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स. सो दिस इज एक्स माइनस वन एंड हियर इज व्हाट एक्स प्लस थ्री एंड एक्स माइनस टू है. सो डियर फ्रेंड, अभी साइन स्कीम के बारे में आपको सोचना चाहिए. सो दिस इज माइनस थ्री, दिस इज वन, दिस इज टू है. सो दैट इज that is infinity and this is minus infinity plus minus plus minus. So that means क्या ये graph कैसा होगा? So like this from here to here, like this from here to here. So so therefore this is, देखो ये क्या है, negative है, ये क्या है positive है, ये negative है. So therefore f of minus 2 is negative है. f of minus 2 is negative का मतलब क्या है? So this is x का जगह पे minus 2 put कीजिए. So that is what 16 minus 56 plus, ठीक है, 56 plus 48 minus k is negative है. So that is 64 minus 56, 8 minus k is negative है. So k का जो value है greater than 8 है. And so this is f of 1 is positive है. x का जगह पे 1 रखो, 1 minus 14 plus 24 minus k is positive है. So this is 25 minus 14, 11 minus k is positive है. So that means k का value क्या है? k का value is less than 11 है, ठीक है? And f of minus 3 is negative है. f of minus 3 का मतलब है 81, ठीक है? माइनस 126 माइनस 72 माइनस k इज नेगेटिव है. सो दिस इज व्हाट, ठीक है, 19 एंड सो दिस इज माइनस 17 प्लस k इज नेगेटिव है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट k प्लस 117 इज पॉजिटिव है. अब ये तीनों का बीच में कॉमन वैल्यू क्या है? ना कॉमन वैल्यू, सो दैट इज व्हाट, एक तीनों का बीच में जो कॉमन वैल्यू है, सो k का जो वैल्यू है 8 इज लेस देन k लेस देन 11 है. सो डियर फ्रेंड, क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चंस, जब क्वेश्चंस डिफिकल्ट होने का पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, तो शुरुआत पे जो टेस्ट होगा इस टाइप का क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं. आपको इस टाइप का क्वेश्चंस का ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए. कैसे मैंने सॉल्व किया है, इट्स नॉट ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, जस्ट थोड़ा लेंदी अप्रोच है, क्लियर? सो डियर फ्रेंड, लेकिन इसी तरीका से ही आपको ए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, नो अदर मेथड प्लीज, ठीक है? दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. डियर फ्रेंड, इफ यू वांट टू क्रैक जेईई मेन एंड इफ यू वांट टू गेट ए गुड मार्क्स इन जेईई मेन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड बेसिक्स ऑफ द टॉपिक्स, देन यू विल गेट ए गुड स्कोर्स एंड यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी टू एंटर इन ए गवर्नमेंट इन आईटी. इट्स माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट्स एज वेल एज बेसिक्स ऑफ द topics, so that times nobody can stop you, nobody can make you fall in the examination hall. It's my advice to all of you, please share this video to all of your Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram and Twitter friends as well as all social medias around the world. Thank you very much watching my video. Please like, share and subscribe my channel Maths Topper. That's all.